हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आप जानते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक क्लास 12 केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर है, सब ज़्यादा वेटेज है इसका। और मैंने इंटरनेट पे बहुत, जब मैं पढ़ रहा था इसे, तो मैंने बहुत ढूंढा कि एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक से रिलेटेड ट्रिक्स चाहिए। वैसे ट्रिक्स तो बहुत मिली, लेकिन ऐसी ट्रिक्स नहीं मिली जो रिएक्शन को याद करा सके। या कुछ नेम रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, रोजमंड, स्टीफन, पिटार्ड, SCC, साइड चेन क्लोरिनेशन कहते हैं जैसे, या गटरमैन कोच। तो ये नेम रिएक्शंस हैं और ये प्रिपरेशन की भी रिएक्शंस है कि प्रिपेयर कैसे किया जाए एल्डिहाइड को। तो ये बनाने का कोई ट्रिक नहीं था हमारे, मतलब जैसे ट्रिक नहीं था हमारे पास कि कैसे बनेगा। तो इसी का ट्रिक है हमारे पास। ट्रिक ये है कि ये बता देगा कि इस ट्रिक से आपको पता चलेगा कि कितनी नेम रिएक्शंस इसको बनाने में लगती हैं और कैसे बनेगा, एक बेसिक आइडिया दे देगा ट्रिक। सो यही ट्रिक बताएंगे आज, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रोजमन टोल्ड स्टीफेंस टू टेक इटार्ड एयरवेज SCC गटरमैन कोच। ये एक सेंटेंस है, जैसे पेरियोडिक टेबल में मेमोनिक्स बनाते हैं हम, याद करते हैं ट्रिक, तो वैसे ही एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस याद करना है। रोजमन टोल्ड स्टीफेंस टू टेक इटार्ड एयरवेज SCC गटरमैन कोच, मतलब रोजमन ने स्टीफन से कहा कि वो इटार्ड एयरवेज ले ले और SCC गटरमैन नाम का कोच ले ले। मतलब ऐसे ही जैसे बस में, ट्रेन में कोचेज होते थे, प्लेन का कोच ले ले वो। तो रोजमन टोल्ड स्टीफेंस टू टेक इटार्ड एयरवेज SCC गटरमैन कोच। तो इसमें पहला नाम आता है रोजमन का। रोजमन इज ए नेम रिएक्शन, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने के काम आती है। एसिड क्लोराइड हमको पता है RCOCl होती है, RCOCl से एल्डिहाइड बनाते हैं। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसके लिए बस इतना ध्यान रखना है कि मतलब हर रिएक्शन का एक रिएजेंट होता है जो उसमें एज कैटलिस्ट काम करता है। तो हर रिएक्शन का रिएजेंट मैं आपको बता दूंगा कौन सा कैटलिस्ट काम करता है। आप ये सेंटेंस लिख के और उसके ऊपर, मतलब वो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे एक ही सेंटेंस में सब लिख के याद हो जाता है। लेकिन अभी के लिए जैसे रिएक्शन सीख रहे हैं, तो ये देखिए H2BSO4 जो होता है इसका रिएजेंट होता है। मतलब किसी भी COCl को चेंज करके, मतलब जो आपका ये लगा हुआ है यहाँ पर COCl ग्रुप एसिड क्लोराइड, इसको चेंज करके एल्डिहाइड में बनाने के लिए यही रिएजेंट इस्तेमाल होता है। तो देखिए हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, एक एराइल हैलाइड है, एक मेरिंग लगी है, एराइल वाले मेरिंग लगी है, एक बिना रिंग का है। तो ये CH3CH2COCl, इसको हमने कन्वर्ट किया है। क्या किया? कुछ नहीं किया है, सिर्फ H2BSO4 डाला है और OCl हटा के CHO लगा दिया है। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ OCl हटाना है, CHO लगाना है, वो भी C वहीं का रहेगा। OCl हटेगा, HO लग जाएगा, CHO ग्रुप बन गया। सेम विद एराइल के रिंग के साथ करना है, कुछ नहीं करना। ऐसे में आपके पास नाइट्रो ग्रुप, कोई ग्रुप, कैसा भी ग्रुप कहीं लगाओ, इस ग्रुप इसके साथ यही रिएक्शन होगी। OCl हट जाएगा, H2BSO4 आके जुड़ जाएगा। सिंपल सी ट्रिक है, कोई मैकेनिज्म फॉलो नहीं करना। रोजमंड रिएक्शन ऐसे के ऐसी याद हो जाएगी और ये किसी भी COCl से एल्डिहाइड आपको बना के दे देगी। तो ये आपके कन्वर्जन में भी काम आ सकता है। अगली रिएक्शन हमारे पास स्टीफन्स रिएक्शन है। स्टीफन्स रिएक्शन जो है वो काफ़ी आसान रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना होता। इसमें बस देखिए सिंपल है, RCN लिया है। RCN क्या होता है? नाइट्राइल ग्रुप लगा होता है, इसको साइनाइड ग्रुप लगा है, साइनाइड आयन, और उसको कन्वर्ट करना है RCHO में। तो इसका रिएजेंट जो है वो बहुत ही आसान सा छोटा सा रिएजेंट है। उस रिएजेंट का नाम है डिबल एच। बहुत ही आसान सा रिएजेंट, छोटा सा रिएजेंट है, सबको याद रहेगा। तो एक ही रिएजेंट याद रखना है, सिर्फ डिबल एच याद रखना है, एक वर्ड है सिंपल सा डिबल एच, ये सबको याद रह जाता है। और रिएक्शन कैसे होगी? जैसे आपके पास ये है CH3CN, अब इसको कन्वर्ट करना है CHO में। तो कुछ मत करो, ऐसे करो, यहाँ यही डबल एच लगा दो, लाके ये डबल एच लगाओ यहाँ पर, और ये सीधे बन जाएगा CH3, ये N हट जाएगा और HO लग जाएगा यहाँ पर। तो ये N, C के बाद N हटा और CHO, तो ये तुरंत आपका एल्डिहाइड में चेंज हो गया। सबसे आसान रिएक्शन यही है। ये आप उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो, जैसे किसी ग्रुप पे लगा, जैसे ये एराइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये एराइल ग्रुप, तो यहाँ पर CH2CN लगाए, तो इसमें भी वही अपना डबल एच लगाएंगे। रिएजेंट का नाम बहुत इजी है, डबल एच, बहुत इसका फुल फॉर्म भी होता है, लेकिन फुल फॉर्म को छोड़ो कौन याद करता है, हमें तो यही रिएक्शन देखना है ना। तो रिएक्शन देखो, डबल एच है, अभी ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, ये डायरेक्ट आपका बन गया CH2C और N हटाए, N हट के HO आ गया। तो मतलब N हटेगा और HO जुड़ जाएगा, CHO बन जाएगा वो सीधे। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, मैंने एल्काइल का भी दिखा दिया, एराइल का भी दिखा दिया, बहुत आसान रिएक्शन है, ये तुरंत हो जाती है।
ओके तो नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास ना एटार्ड रिएक्शन है। ये एटार्ड रिएक्शन को बहुत लोग बोलते हैं एटाप रिएक्शन है, और इसमें स्टेप होता है मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स बनता है, याद नहीं होता, कोई झंझट नहीं है, सिर्फ सिंगल स्टेप में बना के दिया है। देखो दो लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैंने सिंगल स्टेप में बना के दिया है, इसका डबल स्टेप होता है, लेकिन सिंगल स्टेप एक्सेप्टेबल है, तो ये बहुत आसान रिएक्शन हो जाता है। इसमें करते क्या है, टोल्यूइन और उसके डेरिवेटिव। टोल्यूइन और उसके डेरिवेटिव से मतलब है कि मानो जैसे यहाँ पर क्या हुआ ना, टोल्यूइन है तो इसके साथ अगर मान लो यहाँ सी एल भी लग गया, या यहाँ कोई और लग गया, यहाँ कोई भी और ग्रुप लग गया, तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लोरोटोल्यूइन बन गया या ऐसे बन गया, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान सा रिएक्शन है, इसका ग्रुप रिएजेंट, बस इसको रिएक्शन का रिएजेंट याद रखना है। रिएजेंट क्या है, CrO2Cl2, जिसको याद हो गया ना उसका हो गया बस। तो CrO2Cl2 याद है, इसको यहाँ उठा के रखा, CrO2Cl2 लगाया, जहाँ ये CH3 था वहाँ सीधे CHO लग जाएगा, मतलब यही CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। माना यहाँ अगर क्लोरीन या ब्रोमीन, जो भी ब्रोमीन मान लो ब्रोमीन भी लगा होता, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ये सिंपल यहाँ ब्रोमीन ऐसे आके लग जाएगा। इससे कोई लेना देना ही नहीं है, लेना देना किससे है, इससे है। तो ये CrO2Cl2H3O एसिडिक मीडियम मतलब, तो ये रिएक्ट करेगा यहाँ पर ग्रुप का, मतलब इसका रिएक्शन का रिएजेंट याद रखो बस, रिएजेंट क्या है, CrO2Cl2, बात खत्म। इतना पता है हो गया, रिएक्शन बहुत आसान बन जाता है, एटार्ड रिएक्शन में झंझट ही नहीं पड़ेगा। हाँ तो अपना नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है साइड चेन क्लोरीनेशन, ऐसे देख रहे हैं साइड चेन क्लोरीनेशन, ये सबसे आसान रिएक्शन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें तो ग्रुप रिएजेंट भी मतलब इसका जो रिएक्शन रिएजेंट है वो सबको याद रहता है, वो होता है क्लोरीन। क्लोरीन तो नॉर्मल रिएजेंट है, तो इसे भी दो स्टेप का रिएक्शन है, देख रहे हो वन और टू, मैंने दोनों एक साथ लिख रखा है सिंगल स्टेप में, क्योंकि हमको यहाँ पता है कि हमको टोल्यूइन से बनाना है एल्डिहाइड। कुछ और बना होता तो दूसरा स्टेप दिखाते हम, लेकिन दूसरा स्टेप दिखाना ही नहीं, क्योंकि अगर हमको पता ही होगा कि एल्डिहाइड का प्रिपरेशन बनाना है तो ऐसे कर सकते हैं हम, एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर जैसे टोल्यूइन है, टोल्यूइन की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे CH2CH3 लगा हो ऐसे, मानो क्या कहते हैं ये, जैसे ये टोल्यूइन है अपना, तो यहाँ पर माना अगर CH2CH3 भी लगा होता तब भी ये काम करता है, ऐसे लंबा चेन भी लगा हुआ ना तब भी काम करेगा, एल्काइल चेन होना चाहिए, लगा है जैसे, तो साइड चेन मतलब इसका नाम ही है, साइड पे जो चेन लगी है ना उसको क्लोरीनेशन करना है उसका। तो क्या क्लोरीन डाला, H2O डाला, सीधे एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, ये H3 हट के CHO बन गया। लेकिन अगर जिसको बीच का स्टेप भी देखना है वो साइड में देख ले, जैसे CH3 लगा है, ये क्लोरीन डाला, तो क्या होता है इसका एक एच छूट जाता है और CH2Cl बन जाता है। ये CH2Cl जो है जब दोबारा H2O से रिएक्ट करता है ना, तो ये बन जाता है CHO। तो ये बीच का स्टेप है, इसको गोली मारो, इसको अभी नहीं देखना है, इसको हटाओ, ये मैंने समझाने के लिए बता दिया। वैसे मेन रिएक्शन जो अगर एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का याद रखना है यही है, CH3, इसमें क्लोरीन डाला, ये पूरा H3 हट गया, CHO बन गया, साइड चेन क्लोरीनेशन हो गया। साइड चेन क्लोरीनेशन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये साइड की चेन होती है, इसीलिए इसको उसमें क्लोरीन ऐड होता है यहाँ पर जैसे दिखाया मैंने, तो इसीलिए साइड चेन क्लोरीनेशन कहते हैं। ये वाला याद रखना है, ये वाला सबसे आसान मेथड है और सिंगल स्टेप का मेथड है, सिंपल सा साइड चेन क्लोरीनेशन हो गया, शॉर्ट नेम SCC। तो अपने पास अभी ये गटरमैन कोच रिएक्शन है, गटरमैन कोच नाम तो बड़ा गंदा सा है लेकिन फिर भी रिएक्शन है तो है। तो ये फर्स्ट टाइम में सोचने में आता है कितना गंदा सा रिएक्शन होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स होगा इसमें, अरे इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सबसे आसान तो यही लगता है मेरे को, इसमें कुछ करना ही कहाँ होता है। इसमें अपने पास क्या है, ये अपनी बेंजीन, सिंपल बेंजीन है, एक हेक्सागन बना के बीच में लगा देना है गोला, तो ये बेंजीन है, ये बेंजीन सीधे कन्वर्ट हो जाती है एल्डिहाइड में, सिंगल स्टेप का रिएक्शन है बस। इसका रिएक्शन रिएजेंट याद रख लो भैया, ये याद रहेगा सब हो जाएगा। रिएक्शन रिएजेंट क्या है, HClCO AlCl3, इतना तो भाई याद कर लो, मतलब एल्डिहाइड सीख रहे हो, बच्चों का खेल नहीं है। तो HClCO AlCl3, सुपरमैन नहीं बनना है इसमें, बस इतना सा याद करना है, बन गए। तो ये यहाँ पर बेंजीन वैसे का वैसा बना दो और यहाँ पर लगा दो ना भैया इसके, यहाँ CHO, सबसे आसान रिएक्शन डायरेक्ट बेंजीन से एल्डिहाइड बनाने का, कोई तुमको मतलब झंझट ही नहीं करना, देखना तक नहीं है कि करना क्या है, ये बस रिएजेंट लगाया और CHO बना दिया। अच्छा इसमें प्रोडक्ट जो है वो बेंजल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड, और मोस्टली आपने देखा होगा अभी तक जितनी रिएक्शन बनाए उसमें इसी तरह का प्रोडक्ट बना है। तो कॉमन प्रोडक्ट अगर इस तरह का बेंजीन देंगे या टोल्यूइन, जैसे पिछले स्टीफेंस और गडरमैन रिएक्शन, क्या कहते हैं उसको, एटाइड रिएक्शन में दिखाया था मैंने, तो ये ऐसा ही मतलब कुछ बना था, तो इसी को मतलब मोस्टली इसमें बेंजल्डिहाइड ही मिलता है आपको इस तरह के रिएक्शंस में, अगर आप इस तरह का कोई रिएजेंट, मतलब जैसे वो तो क्वेश्चन में कोई भी रिएजेंट देगा, मतलब कोई भी आपको ये दे देगा उठा के, इसको कन्वर्ट करो, उसको कन्वर्ट करो रिएक्टेंट को, लेकिन जितनी रिएक्शंस मैंने बताई उनमें कॉमन प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड है। तो ये भी एक तरह का ट्रिक ही है कि कॉमन प्रोडक्ट जो है बेंजल्डिहाइड है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा ना तो बेंजल्डिहाइड बना दो, बन जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सा रिएक्शन है, चारों रिएक्शन खत्म हो गया, अब मैं इसको कंपाइल करके बताता हूँ एक साथ कैसे याद करना है। हाँ तो यहाँ पर हम अब ट्रिक को कंपाइल करेंगे, कंपाइल के लिए मैं बताता हूँ, देखो रोजमंड, ये सेंटेंस तो अपने याद कर लिया,
रोजमंड, इसमें जैसे आप रिएजेंट तो आपको याद ही करना है, तो इसके नीचे लिखो H2BSO4, ठीक है। स्टीफन के नीचे क्या लिखना है, स्टीफन का रिएजेंट कौन सा था याद होगा आपको, डबल एच, बहुत आसान है, डबल एच। इटार्ड, इटार्ड का कौन सा था, CrO2Cl2। SCC कहाँ गया भाई, अच्छा SCC लिखा नहीं, तो टेक SCC साइड चेन क्लोरीनेशन, इसका क्या था, क्लोरीन, सबको याद रहता है। और गटर मिन कोच भाई, इसका थोड़ा सा था, तो इसको AlCl3 और HCl+CO, एक बार में याद हो जाएगा करना क्या है। रोजमंड, स्टीफेंस, इटार्ड, SCC, गटरमैन कोच, और इनके रिएजेंट इनके नीचे लिख के एक बार इसको लिख लो और याद करने का कोशिश करो, गारंटी बता रहा हूँ याद हो जाएगा, बहुत आसान है। और पूरा का पूरा इतना, ये तीन चार नेम रिएक्शंस जो हैं, और नेम रिएक्शन के साथ साथ आपको इसका मतलब रिएजेंट जो है वो भी याद हो जाएगा बहुत आसानी से। तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा हो गया है यहाँ पर, ठीक है, कुछ करना नहीं है। अच्छा हाँ, अगर इनका मतलब ये भी याद करना है कि किससे क्या बन रहा है, तो इसका नाम रख दो ACD, एसिड क्लोराइड से बनाते हैं इसमें, इसमें CN रख लो, CN से बनाते हैं इसमें, इसमें CH3 रख लो, टॉलिविन लगता है बेंजीन के ऊपर, ठीक है, SCC, ये भी CH3 टॉलिविन से ही बनता है। और गटरमैन कोच, इसके ऊपर तो बेंजीन बना लो बस अपनी, बेंजीन से बनता है, ऐसे ये बनाने का जरूरत नहीं है, इतना याद रह जाएगा आपको कि कौन सी चीज़ किससे बनानी है, बस रिएजेंट का नाम और ये सेंटेंस इतना याद करोगे पूरा ट्रिक एक बार में। अब देखो एल्डिहाइड टफ चैप्टर है, ट्रिक बनाना मुश्किल था, मेरे को भी ट्रिक, मेरे को लगता है इसीलिए किसी ने ट्रिक नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी हार्ड ट्रिक बनता है, लेकिन ये ट्रिक जो है ये काम करने वाला ट्रिक है, ये मैंने भी ट्राई किया है, मेरे को याद हो गया था, ट्राई करोगे याद हो जाएगा, मेरा पर्सनल बनाया हुआ ट्रिक है। ओके हो गया, बस थैंक यू, जाओ एल्डिहाइड पढ़ो, मस्ती करो।